सो गाइस यहाँ पे हमारा टाउन हॉल 3 फाइनली अनलॉक हो चुका है। कल हमने टाउन हॉल 3 अपडेट पे रखा था एंड आज जाके हमारा टाउन हॉल 3 फाइनली अनलॉक हो चुका है। अभी हम लोग इसके सभी खोलेंगे कि हमको इसमें क्या क्या मिलती है चीज़ें। ओके देखते हैं इतने सारी चीज़ें मिली है। सबसे पहले हम लोग खोलते हैं हमारा आर्मी कैंप। खोलने के बाद में अभी हम लोग खोलेंगे रिसोर्सेस हमारे कुछ। ओके एंड अभी देखते हैं और क्या मिल रहा है हमको। अभी तो कुछ सेकंड चल रहे हैं तो मैं डायमंड कटवा देता हूँ, लेकिन आपको डायमंड नहीं कटवाना है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे हमारी लेबोरेटरी को अनलॉक कर लिया जो कि मेन होने वाले हैं हमारे टाउन हॉल के लिए। एंड अभी हम लोग यहाँ पे दोनों बॉम्ब को खोल लेते हैं। 2 बॉम्ब मिले हमको। ओके एंड और देखते हैं और क्या मिले है। गोल्ड स्टोरेज को भी यहाँ पे हमने अनलॉक कर लिया है। एंड अभी हमारे दोनों बिल्डर बिजी है, सो हमारी आर्मी देख लेते हैं। आर्मी हमारी रेडी है, ठीक है। अरे यार ये मैं फिर से भूल गया था यार, मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर ही देता हूँ। आप लोगों को कभी नहीं भूलना है, जैसे ही अटैक खत्म हुए वैसे आर्मी को आपको अपडेट भी रख देना है। एक और बिल्डर हमारा खाली हो चुका है। अभी हम लोग खोलेंगे हमारी कुछ वॉल्स जो कि हमको 25 के आसपास मिल रही है, तो ठीक है इनको अनलॉक कर लेते हैं, फ्री की मिल रही है, ठीक है। ओके सो ये वॉल्स भी हमने यहाँ पे अनलॉक कर ली है। अभी हमको टाउन हॉल 4 पे मिलेगी वॉल्स, जब तक के लिए बाय बाय। ओके यहाँ पे हमने एलिक्सर स्टोरेज को भी अनलॉक कर लिया है जो कि हमारा मेन है, एलिक्सर स्टोरेज एंड गोल्ड स्टोरेज। ओके इनके बिना हमारी लेवल कैसे बढ़ सकती है गोल्ड की स्पेस, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको कुछ रिवार्ड मिले थे हमको, ये भी हमने यहाँ पे क्लेम कर लिया। एंड अभी देखते हैं और क्या मिलता है। और बचा हुआ है हमारे पास में गोल्ड माइन, ठीक है। गोल्ड माइन को भी हमने अनलॉक कर लिया है। एंड एक और बचा है लास्ट जो कि है मोर्टार, बट मोर्टार को अनलॉक करने के लिए गोल्ड कम पड़ गए, तो चलते भी सीधा एक अटैक के लिए। ओके तो भाई साहब ये हमको यहाँ पे एक बेस मिल चुका है जिसमें 4000 एलेक्जर के आसपास है एंड 5600 गोल्ड के आसपास है, ठीक है। इस पर सारा लूट लेते हैं, यहाँ पे छोड़ेंगे हम कुछ बारबेरियन, हमारे बारबेरियन को यहाँ पे छोड़ देते हैं हम लोग मोर्टार के पास में। सामने वाली टीम के पास में मोर्टार है बट हमारे पास में नहीं है, वो भी खोल लेंगे अभी। एंड कुछ बारबेरियन यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, बचे कुछ कुछ आर्जर को भी इधर उधर छोड़ देते, ठीक है। आर्जर को भी छोड़ देते। क्या लगता है गाइस 3 स्टार मिल पाएगा इस बेस में हमको? मुझे नहीं लगता यार मिल पाएगा वैसे इजीली मिल जाएगा 3 स्टार। अब कुछ बचा ही नहीं खतरे में, खतरे का तो कुछ था ही नहीं इसमें, जो जो खतरा था मतलब बाहर ही पड़ा हुआ था। फिर भी हमने इस पर मतलब 3 स्टार इतनी इजीली कर देंगे हम, अभी हुआ तो नहीं है। एंड 33 ट्रॉफीज़ भी है। अभी हमारी ट्रॉफी तो बहुत कम माइनस होगी, सिर्फ -1 ट्रॉफी दिख रही है, लेकिन मेरी एक अकाउंट मतलब टाउन हॉल 12 का अकाउंट है, उसके अंदर आपको पता ही है हमारा टाउन हॉल बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है आपको पता ही होगा। वो तो ट्रॉफी जाती ज़्यादा है लेकिन मिलती कम है। एंड यहाँ पे ट्रॉफी मिलती कम है मतलब मिलती ज़्यादा है लेकिन जाती कम है, ऐसा होता है कभी कभी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, समझ रहे हो ना। ओके सो हमारा बेस यहाँ पे 58% अभी निकल चुका है। अभी तो और बेस निकलना बाकी है, अभी तो सिर्फ इस बेस की स्टार्टिंग हुई है। सो देखते हैं अभी कब तक निकलता है बेस, जब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भजन कीर्तन करें क्या अभी? नहीं, अभी तपला वपला कहाँ पे बुलाएंगे यार। चलो ठीक है, अभी 86% हमारा बेस निकल चुका है, 91% हो गया। एंड अभी हमारी आर्चर एंड बारबेरियन की गेंग जा चुकी है एंड फाइनली उन्होंने मिल के यहाँ पे इसको 3 स्टार निकाल दिया इजीली। ओके सो ये बेस पे हमने 3 स्टार कर दिया एंड गोल्ड हमारे पास में हो चुके हैं मोटार के लिए। सो मोटर को भी बाय कर लेते हैं, ये हमको मतलब बहुत गलत लग रहा था। ओके सो मोटर को भी हमने यहाँ पे बाय कर लिया है। 3 घंटे बाद हमारा मोटर हमारे बेस के अंदर शो होने लग जाएगा। अभी हम लोग को नेक्स्ट टारगेट जो कि है हमारा क्लैन कास्टल जो कि मेन है, इसके बिना तो हम लोग किसी क्लैन में घुस भी नहीं सकते, तो ठीक है आर्मी को करते हैं रेडी। ओके कुछ बारबेरियन रख दिए हमने यहाँ पे। ओके हमारी आर्मी रेडी होगी एंड अभी हमारे पास में यहाँ पे 7000 के प्लस एलिक्सर है, 3000 प्लस एलिक्सर और चाहिए फिर हमारा क्लैन कास्टल भी अनलॉक हो जाएगा। ओके सो मैं मिलता हूँ आपसे 5 मिनट बाद में। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ओके सो अभी हम लोग देखते हैं हमारी आर्मी रेडी हुई या फिर नहीं हुई, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ अनलॉक कर लिया ये तो, चलो ठीक है अब कुछ बचे नहीं है अनलॉक करने के लिए, और क्या अनलॉक करें, ये सब टाउन हॉल 4 में मिलेंगे। ओके सो आर्मी को देख लेते हैं आर्मी रेडी हुई या फिर नहीं हुई। क्लैन कास्टल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आर्मी रेडी हो चुकी है, चलते हैं टेक के लिए। ओके सो ये बेस हमको यहाँ पे मिल चुका है, अच्छी लूट है इसमें, लूट भी अच्छी खाती है, 3000 प्लस एलिक्सर है एंड 6000 प्लस गोल्ड है। चलो इस पर ही कुछ यहाँ पे लूट पार्ट कर लेते हैं। 3 स्टार तो निकलना मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना इजी होगा। ओके सो यहीं पे कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ बारबेरियन को ड्रॉप कर देते हैं, 4-5 बारबेरियन यहाँ पे एंड 2-3 बारबेरियन यहाँ पे छोड़ देते हैं हमारे मोटार के पास में, ठीक है। सो अभी भी मतलब 0% पे ही पड़ा हुआ है हमारा बेस, सो देखते हैं अभी क्या होता है, लेट्स सी। ओके यहाँ पे भी कुछ हमारे बारबेरियन को ड्रॉप कर देते हम लोग एंड कैनन के साइड में से भी कुछ आर्चर को भी छोड़ देते हैं, चलो ठीक है। 8% हमारा बेस यहाँ पे निकाल दिया इन्होंने कच्चर पार्टी ने, चलो ठीक है अभी तो सही जा रहा हमारा अटैक। एंड अभी मुझे नहीं लगता है इस पर 3 स्टार मिल पाएगा यार गाइस, क्योंकि आपको पता ही होगा आर्चर बीच में पड़ी हुई है, ये आर्चर को आप कहाँ से निकालूँ मतलब कहाँ किस साइड से अटैक करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा,
चलो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से बेक कर लेते हैं जितना भी लूट यहाँ से मिले, लूट पार्ट को कलेक्ट करके अभी बेक कर लेते हैं एंड फिर से लूट करेंगे। एक और आर्मी भी हमारी रेडी पड़ी हुई है एडवांस में। ओके सो यहाँ से हमने इसको सिंपल सा बेक कर लिया है एंड अभी देखते हैं अभी क्या करना चाहिए हमको। तो अभी हमारी ये आर्मी भी रेडी है, एक और आर्मी को लगा देते हैं अपडेट के लिए एंड चलते हैं एक और अटैक करने के लिए। एक और चुस्की मार के आते हैं अटैक की। जब तक के लिए यहाँ से 4000 गोल्ड को भी कलेक्ट कर लिया हमने एंड अभी चलते हैं एक और अटैक की चुस्की मारने के लिए। ओके देखते हैं अच्छा सा बकरा। तो भाई साहब ये बकरा हमको मिला है 3000-7000 तो हमारे पास पहले से ही है, 1000-3000 और मिल चुके, 3365 और मिल चुके, मतलब हमारा काम तो हो गया। यहाँ पे कुछ बारबीन ड्रॉप करेंगे ठीक है एंड कुछ बारबीन छोड़ेंगे नेक्स्ट कैनन के पास में एंड बीच में एक कैनन फंसा हुआ है तो इसके पास में छोड़ेंगे कुछ आर्चर एंड कुछ बारबीन ठीक है। तो ये भी जा चुका, अब ये क्या करेगा यार बच के, मतलब उनके साथ ही जा रहे हैं तो इसको बच के करना भी क्या है यहाँ पे। एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ओके सो 14% हमारा बेस यहाँ पे निकल चुका है, इजीली मिल जाएगा, इस पर मिल जाएगा 3 स्टार क्योंकि अब बचे ही नहीं है कुछ चीज़ पे देखने के लिए। तो हमारे पास में सभी डिफेंसेस खत्म कर दिए गए। सबसे पहले आपको डिफेंसेस पे फोकस करना है ना कि लूट पे। डिफेंसेस चले जाएंगे तो फिर लूट तो हमको मिलनी ही है, वो तो हमारे कब्जे में ही है। तो आपको ये नहीं करना है गलती, आप अगर क्लैश ऑफ क्लैन अभी स्टार्ट कर रहे हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेरी डेली की सीरीज़ देखना एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सीरीज़ कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा सीरीज़ में, या फिर कुछ और एक्साइटेड करें हम लोग। ओके सो 87% निकल चुका है बातों ही बातों में एंड फाइनल इस बेस पे भी हमने यहाँ पे 100% निकाल दिया इसको, मतलब कि 100% एंड अभी चलते रिटर्न होम के अंदर एंड अभी हम लोग करेंगे बहुत सारा कुछ बाय एंड फाइनली हमारा यहाँ पे क्लैन कैस्टल जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कम से कम 1 साल पहले इंतज़ार कर रहे थे, वो हमको अब जाके मिलने वाला है। सो ओके क्लैन कैस्टल को देखते हैं अभी कहाँ पे पड़ा हुआ है। चलो ठीक है अभी क्लैन कैस्टल को अनलॉक कर लेते हैं गाइस। 1 2 3 बॉम। ओके क्लैन कैस्टल खुल चुका है हमारा यहाँ पे। ओके गाइस सो क्लैन कैस्टल तो हमने यहाँ पे खोल लिया है, अभी क्या करना चाहिए, अभी सीजन चैलेंजर्स पे जाके 4000 एलिक्सर कलेक्ट कर लिया जाए ठीक है। एलिक्सर हमको मिल चुका है यहाँ पे एंड अभी क्या करें, अभी हम लोग क्लैन ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि क्लैन कैस्टल का इतना इंतजार कर रहे थे तो क्लैन तो ज्वाइन करना बनता है। चलो ठीक है मैंने अपनी नेक्स्ट आईडी में जाके वहाँ पे ट्रॉफी वॉफी कम कर दी मेरे क्लैन के ठीक है, इसमें इसके अंदर हम लोग घुस चुके हैं वरना मेरी क्या औकात जो मैं इसके अंदर चला जाऊँ थंडर जोन के अंदर। बट मैंने यहाँ पे अपडेट क्लैन सेटिंग कर चुका हूँ, मैं आप लोग को दिख रहा होगा ठीक है। तो क्लैन के अंदर भी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं फाइनल सा। ओके एंड अभी क्या करना चाहिए अभी बताओ, आर्मी भी हमारी रेडी होने वाली है, जब तक के लिए चलते हैं एंड सीसी तो ले ले, मतलब फर्स्ट टाइम डोनेशन ले रहे हैं हम लोग, डोनेशन के साथ में अटैक करेंगे फर्स्ट टाइम तो मज़ा भी बहुत आएगा डोनेशन के साथ में अटैक करने में। सो चलते हैं हमारे अकाउंट के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग अकाउंट के अंदर हमारे आ चुके हैं, सिंपल सा रिक्वेस्ट फिल कर दी एंड 2 बलून ट्रेन करके चलते हैं हमारे वापस छोटे से नुबड़े बेस के अंदर ठीक है, जो कि है गेमर वाली आईडी का बेस। अटैक करने से पहले अभी अटैक करने में 1-2 मिनट बाकी है आर्मी रेडी होने में। सो उससे पहले हम लोग हमारे बेस को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, थोड़ा लेआउट को चेंज कर लेते हैं हमारे। चलो एडिट लेआउट पर क्लिक करके सब कुछ रिमूव करते हैं, सबसे पहले तो रिमूव ऑल एंड अभी हम लोग शेप देंगे। सबसे पहले क्या रखना चाहिए, सबसे पहले रखना चाहिए हमारा टाउन हॉल। अरे ये क्या रखा गया, एलेक्जर कहाँ से रखा गया यार। चलो कोई ना, अभी टाउन हॉल रखना है हमको, एलेक्जर स्टोर है तू निकाल, एलेक्जर माइन है सारी, गोल्ड माइन यस। ओके टाउन हॉल रख दिया हमने एंड इस साइड छोड़ेंगे हमारा आर्चर टावर एंड उस साइड रखेंगे हमारा मोटार जो कि हमको सालों लग चुके थे इसको खोलने में ठीक है। मोटार रख दिया एंड दोनों साइड रख देंगे हमारे कैनन सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों के ठीक है। एंड अभी क्या करना चाहिए, अभी आस पास से इनके दीवार कर देते ओके, ताकि कोई भी दीवार तोड़ के अंदर ना घुस पाए ठीक है। कुछ यहाँ पे दीवार लगा देते हम लोग। अरे ये क्या हो, लाइन किधर जा रही है या फिर सही जा रही है क्या पता, देखते हैं अभी, वो तो देखने पता चलेगा। एक को क्या करें, निपटा एक को, चलो एक को निपटा दिया हमने। अरे अरे क्या हो क्या रहा है यार गाइस, हो क्या रहा है, ये कुछ ग्लिच हो रहा है क्या हमारे साथ में, पता नहीं यार क्या कर रहे हैं ये लोग। चलो अभी हो चुका ठीक ओके। अरे फिर से, अरे फिर से यार, इनको क्या बताओ अब, क्या कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। राजू उसका खोपड़ी तोड़ रहे, राजू किधर गया, इस राजू को बुला के लाने दो मुझे। ओके गाइस सो अभी हमारा सब कुछ ठीक हो चुका है, राजू ने खोपड़ी फोड़ी ना मस्त, वो समझा मतलब कुछ खून निकाल देगा तो चलो अब ठीक कर देते। ओके सो यहाँ पे हमारा बंगला रेडी हो चुका है। ओके ये हमारा बंगला रेडी हो चुका है छोटा सा, अभी उसके पास में सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाना पड़ेगा। तो ठीक है यहाँ पे क्या रखे, यहाँ पे एक और वॉल रखे क्या,
ओके चलो एक और बोल रख देते। अरे फिर से कर रहा है क्या, फिर से राजू को बुलाओ क्या? चलो अभी नहीं बुलाते, अभी मान जाएंगे वो लोग। ठीक है अभी हमने यहाँ पे एक और बोल रख दी है, पहले देख लेते कि जगह कुछ कैसी क्या लग रही है हमको जगह। चलो एक और बोल हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके एंड बीच में रखेंगे हमारा टाउन हॉल जो कि हमारा किंग होने वाला है। ओके सो ये हमारा अभी छोटा सा बेस जमा है एंड अभी आसपास रखेंगे हमारा गोल्ड स्टोरेज एंड एलिक्सर स्टोरेज। इस साइड गोल्ड स्टोरेज एंड उसी के सामने रखेंगे हमारा गोल्ड स्टोरेज का सेकंड पार्ट एंड यहाँ पे रहेगा हमारा एलिक्सर स्टोरेज एंड उसी का सेकंड पार्ट रखेंगे हम लोग उसी के सामने ताकि दोनों एक दूसरे को देख सके। ठीक है एंड यहाँ पे रखेंगे हमारा क्लैन कास्टल एंड और क्या रखे और देखते हैं और किधर मतलब क्या रखना चाहिए। इस पर कोई थ्री स्टार नहीं निकालना चाहिए ऐसा हमको मतलब इसको रखना है। ओके यहाँ पे रख देते। ओके ठीक है आर्मी कैंप मतलब हमने आर्मी कैंप को भी कहीं पे ना कहीं पे छोड़ेंगे हम लोग। बैरक्स को तो हमने यहाँ पे रख दिया। बच्चे हमारे बॉम को यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक बॉम इधर एंड एक बॉम को छोड़ेंगे यहाँ साइड। ठीक है गाइस ऐसा आप भी मतलब आप भी ऐसा बेस जमा लेना क्योंकि कोई भी आपके बेस पे थ्री स्टार ना कर पाए। आपने देखा होगा हम लोग अटैक करने जाते हैं मल्टीप्लेयर बैटल के अंदर तो एक पता नहीं कहाँ कहाँ छोड़ देते लोग, एक आर्चर को उधर फेंक देते हैं, एक कैनन को उधर। बट आप लोग अच्छे से रखना क्योंकि कोई भी आपके बेस पे थ्री स्टार नहीं करना चाहिए रे बाबा। ठीक है सो अभी हमारा ठीक चल रहा है। यहाँ पे एक और एलिक्सर कलेक्टर को इधर रख देते हैं इस साइड पे एंड आर्मी कैंप को भी यहाँ पे रख देते हैं। एक और आर्मी कैंप बचा हुआ हमारा लास्ट यहाँ पे हम रख देते हैं लेबोरेटरी। ठीक है लेबोरेटरी भी हमने यहाँ पे रख दी अच्छे से। एक और आर्मी कैंप बचा था इसको भी यहाँ पे पटक देते। ठीक है यहाँ पे अभी मतलब एंड बिल्डर और बच चुके हैं, बिल्डर को भी रख देते एक दो को उधर, एक बिल्डर को रख देते यहाँ पे। ओके थोड़ा पास में जा रहा आर्मी कैंप। अरे इस बॉम ने चलो बॉम को हटाते यहाँ से। ठीक है बॉम अभी आर्मी कैंप को अभी ठीक है एंड अभी यहाँ पे बॉम को रख देते एंड इस बिल्डर को भी थोड़ा पास में कर देते। अभी ठीक लग रहा है हमारा बेस। बचे कुछ वॉल्स बचे हमारे पास में, वॉल्स को भी किधर ना किधर करके तो फंसाएंगे इनको। ओके वॉल्स को भी यहाँ पे रख देते एक दो, एक और वॉल्स को यहाँ पे रख देते तीन। ओके तीन वॉल और बची हुई, एक वॉल यहाँ पे एंड एक वॉल इधर। ओके एंड एक और वॉल बची हुई, दो वॉल, एक वॉल यहाँ पे पटक देते एक वॉल यहाँ पे। ओके गाइस सो ये हमारा बेस बिल्कुल अच्छे से जम चुका है। सेव चेंजेस पे क्लिक करके ये हमारा बेस सेव हो चुका है एंड अब क्या करना चाहिए गाइस, बेस तो हमारा सेव हो चुका है। अभी देखते हैं क्या अपडेट पे लगाना चाहिए। अभी हम लोग क्या लगाए अपडेट पे, एलेक्जर स्टोरेज को लगा देते अपडेट पे। ओके एलेक्जर स्टोरेज को हमने लगा दिया है जो कि होगा हमारा एक घंटे बाद में। एक घंटे का वेट तो नहीं कर सकते, इसको कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी लेबोरेटरी भी आप देख सकते हो यहाँ पे, लेबोरेटरी के लिए भी हमको कुछ पैसे चाहिए यानी कि एलेक्जर चाहिए, बट एलेक्जर के लिए भी स्टोरेज तो चाहिए ना। आर्मी हमारी रेडी हो चुकी, डोनेशन भी मिल चुके हैं तो एक अटैक भी मार दिया जाए। ठीक है सो बेस देखते हैं बेस कौन सा मिलेगा हमको। ओ माय गॉड 23,000 प्लस और 14,000 प्लस एलिक्सर। ठीक है इस पे ही अटैक करेंगे थ्री स्टार क्योंकि हमारे पास में सीसी में है। इस साइड से आएंगे हमारे कुछ आर्चर एंड पीछे से आएंगे हमारे कुछ आर्चर एंड बारबेरियन। ठीक है यहाँ पे हमारा जा चुका है मतलब बिल्कुल सही जा रहा है और बारबेरियन छोड़ देते दो चार और एंड इस साइड से छोड़ देते हमारे सीसी के लूंस। इधर एक और आर्चर पड़ा हुआ है सामने हमारे तो इसको भी हमको करना पड़ेगा डिस्ट्रॉय बलून आने से पहले, बलून को ना ये लपेट दे। ठीक है सो 11% तो बेस हमारा निकल चुका है। बच्चे 8 आर्चर और है हमारे पास में, इसको भी यहाँ पे छोड़ देते। अरे एक और कैनन कहाँ पे छुप के बैठा है, अच्छा ये इधर बैठा है छुप के। इसके पास में छोड़ देते कुछ आर्चर बट कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे एलिक्सर माइन था एंड गोल्ड माइन था वहीं पे। ठीक है ओके 43% हमारा बेस यहाँ पे निकल चुका है गाइस। बहुत मतलब बहुत इजीली इस पे हमको थ्री स्टार मिल गया, लेकिन नहीं हो रहा यार सब किसकी वजह से हुआ, बलून की वजह से। ये यहाँ पे कुछ हमने ग्लोबल चैलेंजेस भी कंप्लीट कर दिए, कुछ डायमंड मिलेंगे हमको हज़ारों से, देखते हैं अभी बैग जाके वो तो बैग जाने पे पता चल जाएगा। ओके सो टू स्टार तो बेस पे हमने अभी करने वाले है। बलून जा चुके हैं टाउन हॉल के पास में। ओके ठीक है ओके गाइस सो इस पे हमने यहाँ पे टू स्टार कर दिया है इजीली एंड 72% भी हमारा बेस निकल चुका है, 75% हो गया और टू स्टार नहीं हुआ। अरे क्या कर रहा है रे बलून। ठीक है टू स्टार हो चुका है। एक और हमने एलिक्सर का कुछ चैलेंज कंप्लीट कर दिया, वॉल बूस्टर भी कंप्लीट कर दिया हमने। मतलब इतने सारे मैसेज आ रहे हैं सुपर सेल की तरफ से, पता नहीं कितना डायमंड देगा आज हमको, तो जाने पे पता चलेगा बैक। ओके 93% निकल चुका हमारा बेस। एक और शॉट और मार दे बलून। ओके सो बलून ने यहाँ पे शॉट मार दिया 97% एंड 100% फाइनली हमारा बेस ये जा चुका है। ओके सो अभी रिक्वेस्ट भेज भी नहीं सकते, बट उससे पहले क्या करें, उससे पहले हम लोग हमको कुछ यहाँ पे मिले थे जेम्स। ओके ओके ये कौन आया, महाकाल। ठीक है आ जाने दो, मतलब मैंने वो एनीक्विन ज्वाइन कर दिया ना, ट्रॉफी जीरो कर दी तो मतलब सब आने लग गए। आने दो यार कोई दिक्कत नहीं। जेम्स कितने दिए, 15 15 ओके 15 और 5 और 20, मतलब 20 जेम्स दे दिए हमको।
ओके गाइस, सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय, एंड कल की लाइव पाना बिल्कुल मत भूलना। पता है आपको कल संडे है, सो संडे के दिन हम लोग लाइव करेंगे। टाइम रहेगा हमारा 12 से 2 बजे के बीच में, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए रेडी रहना। ओके, टेक केयर।